हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास टेंथ का फिजिक्स हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश मीडियम हमारा बन चुका है और हम हिंदी मीडियम की सीरीज चला रहे हैं जिसमें धारा का चुंबकीय प्रभाव का पहला पार्ट आज आप पढ़ेंगे। टेंथ क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन है और बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है। टेंथ के स्टूडेंट्स लोग का बहुत डिमांड था कि सर हमारे लिए जल्दी कोर्स कम्प्लीट कर दीजिए, तो डोंट वरी, बहुत जल्दी मैं आपके कोर्स कंप्लीट कर दूंगा और फिर आप रिवाइज़ करेंगे। इसके बाद कोर्स कंप्लीट होते ही, इसके थ्योरेटिकल टॉपिक कंप्लीट होते ही चैप्टर वाइज मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा। ओके, पहले आप थ्योरी को अच्छे से कर लो तो न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमने धारा पढ़ लिया है, अब उसके चुंबकीय प्रभाव को अपने को पढ़ना है। ठीक है, देखिए धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। तो यहां पर हम धारा तो पढ़ चुके हैं, हम पहले थोड़ा डिस्कस कर लें चुंबक के बारे में। ठीक है, धारा तो हमने पढ़ लिया है, हम थोड़ा चुंबक का स्टडी कर लें और उसके बाद उसके चुंबकीय प्रभाव को हम कंबाइंड पढ़ेंगे। वैसे तो हमारे चैप्टर में धारा के चुंबकीय प्रभाव से ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा हमको मैग्नेट के बारे में जानना जरूरी है, चुंबक के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करता हूँ मैग्नेट के बारे में, चुंबक। तो चुंबक क्या है, चुंबक का एक जनरल इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको, फिर हम उसके चुंबकीय प्रभाव में जाएंगे। बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मैग्नेट का मतलब क्या होता है चुंबक का, ट्वेल्थ क्लास में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे, इस क्लास में आपको एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में पढ़ना है। तो चुंबक ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मतलब चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला जो पदार्थ है वो चुंबक कहलाता है और उसके इस गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। क्लियर, चुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है, चुंबक का मतलब होता है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब यहाँ पर देखो इसको गुण, हम थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लें कि इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो चुंबक का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो है, पहला गुण इसमें वो है इसके ध्रुव होते हैं। चुंबक में ध्रुव होते हैं जिसको हम इंग्लिश में पोल कहते हैं। तो हर चुंबक का दो ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये बात आपको पता है, यदि हमारे पास कोई चुंबक है तो उसके दो ध्रुव रहेंगे, एक नॉर्थ कहलाएगा दूसरा साउथ कहलाएगा। ये कुछ गुण पर अपन डिस्कस करते हैं। दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उसमें समान ध्रुवों पर प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, समान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आकर्षित करते हैं। ये महत्वपूर्ण गुण है कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ओके, तीसरा महत्वपूर्ण गुण है कि यदि हम किसी चुंबक को, मान लो हमारे पास कोई दंड चुंबक है, दंड चुंबक मतलब आप समझ सकते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा, ऐसा दंड चुंबक होता है, बार मैग्नेट, एक पोल होता है नॉर्थ एक साउथ। यदि हम किसी दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, ठीक है, तो वह पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, यदि हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें वो पृथ्वी के नॉर्थ साउथ की तरफ ठहरता है। चौथा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि यदि हम चुंबक को गर्म करें, पीटें, पटकें, मतलब उस पर कोई बाह्य बल लगाएं तो वह विचुंबकित हो जाता है, मतलब उसकी चुंबकीय शक्ति छीण हो जाती है या खत्म हो जाती है, मतलब बल आरोपित करने पर। यदि हम उस पर कोई बल आरोपित करें या गर्म करें, या चुंबक को हम क्या करें, गर्म करें, करने पर विचुंबकित हो जाता है।
यह शॉर्टकट में लिखे हैं, विचुंबकित होता है। और पांचवा महत्वपूर्ण इसका प्रॉपर्टी है, जो महत्वपूर्ण मैं गुणों पर आपसे बात कर रहा हूँ, चुंबक का पांचवा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर? ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना चुंबक के बारे में। चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता मतलब चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं अपने पास, उन दोनों ध्रुवों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। मतलब हम ये जैसे दो ध्रुव हैं तो हम इसको बीच से काट दें और हम सोचें कि एक नॉर्थ मिल जाएगा एक साउथ मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। जैसे ही हम चुंबक को काटेंगे, वो भी एक प्रॉपर्टी है कि चुंबक को छोटे छोटे टुकड़ों पर यदि हम काट दें, चुंबक को यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों पर काट दें, उसको विभाजित कर दें, तो उसका हर टुकड़ा, उसका प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है, एक पूर्ण चुंबक होता है। कहने का मतलब उसमें से नॉर्थ और साउथ पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको चुंबक के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आपको बताया और ये आपको जानना जरूरी है। देखो आपका नाम ही है धारा, चैप्टर का नाम है चुंबकीय प्रभाव, तो चुंबक के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं दंड चुंबक के बारे में, बार मैग्नेट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं दंड चुंबक। डंडे के आकार का होता है, बार के आकार का, इसलिए हम इसको बोलते हैं दंड चुंबक, इंग्लिश में बोलते हैं बार मैग्नेट। इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं, मैं जरूरी चीज़ों को आपको बता रहा हूं ताकि आपका मैग्नेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे। ठीक है, ये सपोज हमारा कोई दंड चुंबक है इस तरह से, इसके दो पोल होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसके बाद देखो चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर जो सीधी रेखा जाती है उसको चुंबक का अक्ष कहते हैं, यह ध्यान रखना, यह चुंबक अक्ष कहलाता है। और चुंबक के ठीक मध्य बिंदु में, मध्य भाग में एक बिंदु वो होता है जिसको हम उसका उदासीन बिंदु कहते हैं, यहाँ पर चुंबक की शक्ति नहीं होती, यहाँ से जो रेखा जाती है उसको उसका उदासीन अक्ष कहते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसकी जो टोटल लंबाई होती है उसको प्रभावकारी लंबाई कहते हैं, 2L से प्रदर्शित करते हैं, ये कहलाता है। और चुंबक की जो आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता होती है उसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसको कहा जाता है ध्रुव प्राबल्य। मैं आपको आगे के क्लास को ध्यान में रख के, या जो बच्चे NTSC वगैरह का या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं 10th लेवल का, उनको भी ध्यान में रख के थोड़ा एडवांस में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। तो स्मॉल एम को ध्रुव प्राबल्य कहते हैं और चुंबक के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको 2S प्रदर्शित करते हैं, इसको हम प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। इसको मैंने क्या किया, प्रभावकारी लंबाई। ये इसकी प्रभावकारी लंबाई है, ये ध्यान में रखना। तो ये आपके क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बार मैग्नेट का एक इंट्रोडक्शन है। और यहाँ पर हमको जो मुख्य रूप से पढ़ना है वो है चुंबकीय बल रेखाएं। देखते हैं हम चुंबकीय बल रेखाएं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, देखो चुंबकीय बल रेखाएं मतलब जैसे हमारे पास कोई बार मैग्नेट हो, दंड चुंबक हो, ये एक दंड चुंबक है और ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। तो जैसे ही हम किसी चुंबक को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, पृथ्वी अपने आप में स्वयं एक चुंबक है, तो वहाँ पर जैसे ही हम रखते हैं तो ये चुंबक क्या होता है, अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर तक चुंबक का प्रभाव हो, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब सपोज हम इस चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर कोई एक एकांक उत्तरी ध्रुव, ठीक है, एकांक उत्तरी ध्रुव का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, एकांक उत्तरी ध्रुव, हिंदी नॉर्थ पोल 60 में लिख दिया, यूनिट नॉर्थ पोल। एकांक उत्तरी ध्रुव जो होता है उसको हम परीक्षण ध्रुव कहते हैं। और जब इस परीक्षण ध्रुव को इस क्षेत्र में रखा जाता है तो नॉर्थ पोल क्या करता है, उसको प्रतिकर्षित करता है, ये उसको प्रतिकर्षित करेगा और साउथ पोल उसको आकर्षित करेगा। इस तरह से हमको इसमें बहुत से बिंदु मिलते हैं और ये जितने हमको बिंदु मिलते हैं ये सभी बिंदुओं को यदि मिला दिया जाए तो एक इस प्रकार से रेखा हमको प्राप्त होती है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसी को बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएँ। मतलब चुंबकीय बल रेखा का परिभाषा क्या हो जाएगा,
चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं। इनको काल्पनिक वक्र कहा जाता है। काल्पनिक क्यों? क्योंकि वास्तव में इसको देखा नहीं जा सकता, इसको महसूस किया जा सकता है, केवल इसके अध्ययन किया जा सकता है। तो ये काल्पनिक वक्र है जो जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है। मतलब ये एकांक उत्तरी ध्रुव क्या हुआ है, उसने गमन किया है, इस रास्ते से गया है वो, इस रास्ते से गया है यहां तक। और जब हम चुंबक के अंदर जाते हैं तो ये बल रेखाएं चुंबक के अंदर क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर चली जाती हैं। इस प्रकार से इस चुंबक का जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इसकी पहली विशेषता है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर चुंबक के दक्षिण की ओर बाहर में तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। मतलब क्या होती हैं, ये बंद वक्र होती हैं। हम इसका कुछ प्रॉपर्टी पर बात कर लेते हैं, इसके गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो पहला गुण मैंने क्या बताया कि ये क्या बनाती हैं, बंद वक्र। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, क्लियर। ये इसका महत्वपूर्ण गुण है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण गुण यह है कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जहां पर अधिक होती है, जैसे यहां पर देख रहे हैं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक है, तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहां चुंबकीय शक्ति, जिसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो अधिक होती है, क्लियर। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। जैसे यहां पर मेरे चित्र में आप यहां पर देख रहे हो कि काटते हुए आपको दिखाई दे रही है, ये गलत है, ठीक है। ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं कभी नहीं काटती और इनके नहीं काटने का कारण क्या है, यदि चुंबकीय बल रेखाएं काटती तो वास्तव में किसी बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए हमको उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना पड़ता है। जैसे मान लो यहां पर मेरे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जानना है तो यहां पर स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा और यही स्पर्श रेखा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। मान लो दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटें, यहां पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, ये एक बल रेखा है, दूसरी बल रेखा है। मान लो दोनों एक दूसरे को काटते और इस कटान बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो इसकी स्पर्श रेखा यह हो गई और इसकी स्पर्श रेखा यह हो गई। और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं कि एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो कुछ ये बेसिक जानकारी मैंने आपको मैग्नेट के बारे में दिया। सबसे पहले मैं आपको बताया कि चुंबक क्या है और चुंबक के क्या क्या गुण हो सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने बताया कि चुंबक में जो दृढ़ चुंबक होता है, बार मैग्नेट होता है, वो किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और चुंबकीय बल रेखाएं और उसके गुण। तो ये मैग्नेट का एक बेसिक जानकारी, क्योंकि हमको इस चैप्टर में पढ़ना है धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो चुंबक के बारे में आपको थोड़ा जानना जरूरी है। तो ये मैं बेसिक चीज़ों को बता दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना मेन टॉपिक, धारा का चुंबकीय प्रभाव। ओके, चलो तो अब हम चलते हैं धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब विद्युत धारा से चुंबक का उत्पन्न होना, चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना। तो देखो, ये इसकी जो सबसे पहली, इस घटना का सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने उल्लेख किया, उस वैज्ञानिक का नाम है ऑस्टेड। ऑस्टेड नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया। और कैसे बताया इन्होंने, ऑस्टेड एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने प्रयोगशाला में, वो एक प्रयोग कर रहे थे। उनके पास एक ये चालक तार था और इस चालक तार में वो धारा प्रवाहित कर रहे थे। और एक इत्तेफाक था कि जहाँ पर वो प्रयोग कर रहे थे, जिस चालक तार में वो धारा प्रवाहित कर रहे थे किसी और प्रयोग को करने के लिए, वहाँ पर उनके प्रयोगशाला में एक चुंबकीय सुई रखा हुआ था। यह सपोज चुंबकीय सुई है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस तरह से यहाँ पर एक चुंबकीय सुई रखा हुआ था। कहाँ पर, जहाँ पर वो धारा प्रवाहित करके प्रयोग कर रहे थे। तो अचानक ऑस्टेड ने देखा
कि जैसे ही मैं अपने चालक तार में धारा प्रवाहित करता हूँ तो ये चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, मतलब चुंबकीय सुई का जो निडिल है वो हिलने लगता है। तो आस्टेड चौके, वो चौक गए, उनको लगा कि भाई मैं तो धारा प्रवाहित कर रहा हूँ चालक में, लेकिन यहाँ रखा हुआ निडिल क्यों हिल रहा है। तो इस प्रयोग को उन्होंने बार बार किया और हर बार देखा कि जैसे ही वो चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो निडिल में डिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है, निडिल घूमने लगता है, हिलने लगता है। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला या निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसी प्रयोग के द्वारा पता चला कि धारा का चुंबकीय प्रभाव, और ऑस्टेड ने डिक्लेयर किया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आप इस चैप्टर को 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। 10th क्लास में एक समान इंट्रोडक्शन है उसका, इसलिए मैं हमेशा 10th के स्टूडेंट्स को ये बात बोलता हूँ कि आपको 12th में भी अच्छे से फिजिक्स की पढ़ाई करनी है तो आपको 10th का बेस अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसी तरह से 11th क्लास में आपको पूरा 9th का कॉन्सेप्ट, बल का नियम, गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण, ये सब आप 11th में फिर पढ़ोगे। और ये जितने चैप्टर आप अभी पढ़ रहे हो 12th में दोबारा पढ़ोगे, बस 10th में वो इंट्रोडक्शन फॉर्म में है और 12th क्लास में बहुत डिटेल में है। तो प्रयोग सब आपको पढ़ोगे, इसलिए बेसिक चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं क्लास में पढ़ाते समय इस बात को ज़रूर ध्यान रखता हूँ कि मैं 10th क्लास में इतनी चीज़ों को आपको बता दूँ कि जब 12th आप पढ़ो तो बहुत कुछ आपको जाना हुआ लगना चाहिए, पहले से बेस स्ट्रांग हो, ये मैं हमेशा आपसे डिस्कस करता हूँ। तो ये हुआ ऑस्टेड, पहला साइंटिस्ट ऑस्टेड का प्रयोग। दूसरे नंबर में ऑस्टेड के बाद जिस वैज्ञानिक ने, वैसे तो बहुत से वैज्ञानिकों ने इसमें प्रयोग किया, लेकिन जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो इसमें प्रयोग किया धारा के चुंबकीय प्रभाव में, वो है मैक्सवेल। मैक्सवेल का प्रयोग, और मैक्सवेल ने जो नियम दिया वो दो नियम दिया। पहला जो उन्होंने नियम दिया वो क्या है, पेंच का नियम, दक्षिणवर्ती पेंच बोलते हैं। इंग्लिश में बोले राइट हैंडेड स्क्रू, स्क्रू को हम हिंदी में पेंच कहते हैं, दक्षिणवर्ती पेंच, राइट हैंडेड स्क्रू का नियम। स्क्रू का मतलब, स्क्रू आपको मालूम है, स्क्रू को जब अपन स्क्रू ड्राइवर से घुमाते हैं तो वो टाइट होता है, या ओपन करें तो वो लूज होता है, खुलता है। तो इन्होंने एक स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू की सहायता से इस रूल को समझाया और इन्होंने बताया कि सपोज अपने पास ये कोई स्क्रू है, ये सपोज स्क्रू है, स्क्रू का थ्रेड मैंने बना दिया इस तरह से, और यहाँ पर एक खांचा होता है स्क्रू में स्क्रू ड्राइवर को लगाने के लिए। अब उन्होंने बताया कि सपोज हम इस स्क्रू को अंदर की ओर घुमाने के लिए, अंदर की ओर ले जाने के लिए हम इधर घुमाएं, तो पेंच का नियम कहता है कि जो घुमाने की दिशा है वह चुंबकीय क्षेत्र, मतलब बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और स्क्रू के जो गति की दिशा है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ऐसा मैक्सवेल ने बताया। क्लियर? तो मैक्सवेल का नियम क्या हो जाएगा, यदि किसी दक्षिणवर्ती पेंच को घुमाया जाए तो स्क्रू को घुमाने की दिशा बल की दिशा को, तथा स्क्रू के गति करने की दिशा, यह स्क्रू के गति करने की दिशा है, तो स्क्रू के गति करने की दिशा उसके धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, यह कहलाता है मैक्सवेल का पेंच का नियम। और दूसरे नंबर में उन्होंने इस नियम को इस तरह से बताया जिसको हम बोलते हैं दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का, इसको राइट हैंड ग्रिप रूल बोलते हैं, एक्चुअल में राइट हैंड ग्रिप, हिंदी में मैं शॉर्ट में उसका नाम को बता देता हूँ, दाएं हाथ से पकड़ने के नियम। जैसे मैंने इस पेन को दाहिने हाथ से ऐसा पकड़ा, ध्यान से समझना, ये पेन है मेरा और लीड देख रहे हैं आप ऊपर है, और यदि मैं दाहिने हाथ से इसको इस प्रकार से पकड़ूं तो अंगूठा मेरा ऊपर है, थंब ऊपर होना चाहिए इस तरह से। यहाँ पर मैं एक चित्र की सहायता से आपको बता दूँ, तो मान लो मेरे पास कोई चालक तार है, और इस चालक तार को यदि हम अपने दाहिने हाथ से पकड़ें, सपोज हम इसको दाएं हाथ से पकड़ रहे हैं, तो ये दाहिने हाथ से पकड़ने पर ये जो अंगूठा है ये ऊपर रहे और उंगलियां क्या हो, इधर मुड़े, ये उंगलियां हैं और ये क्या है, अंगूठा है, ये थंब है और ये फिंगर्स है, जैसे हम ऐसे पकड़ते हैं इस तरह से। तो
तो दाएं हाथ के नियम में मैक्सवेल ने क्या बताया, यदि हम किसी चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा के बहने की दिशा को, ये यहाँ पर धारा बहने की दिशा है, ठीक है, यहाँ पर जो धारा बहने की दिशा है वो ये है, इस चालक तार में धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो यदि अंगूठा जो है, ये अंगूठा है, अंगूठा यदि धारा के बहने की दिशा को प्रदर्शित करे तो उंगलियों के मुड़ने की दिशा, ये क्या है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, धारा को, और उंगलियों के मुड़ने की दिशा किसको प्रदर्शित करेगा, बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मतलब इसका ठीक उल्टा है, बल इधर था तो धारा नीचे, इसमें बल इधर है तो धारा ऊपर। तो ये उनके दाहिने हाथ का नियम है, क्लियर, ये कहलाता है मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये सब छोटे छोटे नियम आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या कई जगह आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं कि दिशा बताने के लिए। इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण रूल है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये मेरे हाथ की उंगली को देखो, इसकी सहायता से मैं आपको समझा रहा हूँ इसको। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अनअकैडमी लेके आया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स जिसमें आपके सभी विषय की पढ़ाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स का जो फी है 2500, वो सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना होगा जो है जितेंद्र सर लाइव। ये कोड आप यूज़ करेंगे तो 2500 का कोर्स आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलेगा। देखिए, इस कोर्स की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि आपको ये कोर्स 3 लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश में, हिंदी में और साथ ही मराठी लैंग्वेज में भी। महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे और आपको बेस्ट टीचिंग फैकल्टी मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, रिवीजन बैचेस मिलेंगे, क्रैश कोर्स होगा और सबसे अच्छी बात, आपके डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा और आपको प्रीवियस ईयर के महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन पेपर भी तैयार कराए जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आप वहां पर अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करके इस लिंक के थ्रू आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ओके, थैंक यू। फ्लेमिंग का नियम, ये जितने वैज्ञानिक है सब हाथ की सहायता से, स्क्रू की सहायता से इन्होंने नियम को आसानी से समझाने का प्रयास किया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि सपोज हम यहां पर फिगर नहीं बना रहा हूं, हाथ वगैरह का आप मेरे हाथ से देख लो ऐसा, ये हमारा पोजीशन है अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, मध्यिका। यदि तीनों उंगलियों को परस्पर लंबवत फैलाएं हम, तो फ्लेमिंग ने कहा यदि बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यिका तीनों को यदि हम परस्पर लंबवत फैलाएं तो अंगूठा बल की दिशा को, तो उनका कहना है कि जो अंगूठा है, इस चीज को याद रखना जो महत्वपूर्ण है, अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा, बल की दिशा को, तर्जनी तर्जनी क्षेत्र की दिशा को माने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को, और मध्यिका या मध्यमा कुछ भी कह सकते हो, ये मिडिल फिंगर जो होता है वह धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ये रिलेशन को ध्यान रखना। अब याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो याद रखने का तरीका यह है कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यिका में सबसे ज़्यादा ताकत अंगूठा के पास है तो बल को प्रदर्शित करेगा, ऐसा याद रखना, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है, मुझे मालूम है स्टूडेंट एक दूसरे में कन्फ्यूज़ करते हैं, उसको उसमें में डाल देते हैं। अंगूठा ताकतवर, तीनों में सबसे ज़्यादा ताकत अंगूठा के पास, तो अंगूठा बल को प्रदर्शित करता है। तर्जनी, यह तर्जनी है तो किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए हम इस उंगली का उपयोग करते हैं, ऐसा उधर देख बोलते हैं, मतलब क्षेत्र को दिखाते हैं, फील्ड को दिखाते हैं, तो तर्जनी क्या होगा, क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और इसका जो मध्यिका बच गया, तीसरा चीज़ क्या है, धारा। तो फ्लेमिंग ने बताया कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यिका को परस्पर लंबवत फैलाएं, देखो तीनों लंबवत हैं, तो अंगूठा बल की दिशा को, तर्जनी क्षेत्र की दिशा को और मध्यिका जो है वह विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये कुछ वैज्ञानिकों के नियम हैं, इन नियमों को आपको याद रखना,
चैप्टर कंप्लीट स्टार्टिंग थ्योरी है। नेक्स्ट पार्ट में जो आपको पढ़ाऊंगा उसमें मोटर और डायनेमो ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका आपके एग्जाम में आना 100% डिसाइडेड है। तो पहले पार्ट में आप आज बेसिक चीज़ को क्लियर करो और सेकंड पार्ट में हम उसके मेन टॉपिक को क्लियर करेंगे। ओके, बाएं हाथ का नियम, अब बाएं हाथ का ना लेफ्ट हैंड का रूल है, दाहिने हाथ का रूल भी आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना है। चलिए अब यहाँ पर हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए इस चैप्टर में, वो है परिनालिका सोलेनाइड। ट्वेल्थ क्लास में चैप्टर जाके बहुत बड़ा हो जाता है, ध्यान रखना। अभी तो बहुत शॉर्ट में आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो। परिनालिका सोलेनाइड क्या है देखो, तो परिनालिका एक प्रकार का डिवाइस है। एक्चुअल में जो परिनालिका है वह इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो मैग्नेट बनता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। यदि धारा प्रवाहित करें तो चुंबक की तरह व्यवहार करें, और धारा प्रवाहित ना करें तो चुंबक की तरह व्यवहार ना करें, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। तो यहाँ पर हम एक फिगर बनाते हैं परिनालिका का, और उसके बेस पर फिर हम आपको समझाते हैं परिनालिका होता क्या है। देखो यह खोखली नली है, और इस खोखली नली को बनाया गया है किसी विद्युतरोधी पदार्थ से, जैसे प्लास्टिक से, माइका के ट्यूब से। विद्युतरोधी मतलब जिस पर हम धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, इसका बनाया गया है। और इस पर हमने क्या किया, एक चालक तार को, कॉपर के चालक तार को इसमें हमने गोल गोल लपेटा। ये चालक तार है, और इस चालक तार में हमने एक कुंजी लगा दिया और एक बैटरी लगा के इस तरह से कनेक्ट कर दिया। क्लियर, ये हमने बना लिया एक डिवाइस, इसका नाम है परिनालिका। ये जो आप देख रहे हो परिनालिका है। अब वैज्ञानिकों ने क्या देखा, जैसे ही हम इस परिनालिका में कुंजी ऑन करके इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, जैसे ही इसमें से धारा प्रवाहित होती है तो ये एक दंड चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। ये बन जाता है एक बार मैग्नेट, और इस सिस्टम को हम कहते हैं परिनालिका। मतलब यदि किसी विद्युत रोधी पदार्थ के ट्यूब पर, नली पर चालक तार, कॉपर के तार को लपेटा जाए और उसमें धारा प्रवाहित किया जाए, तो वह एक दंड चुंबक की भांति कार्य करता है, बार मैग्नेट की भांति कार्य करता है, जिसे हम परिनालिका कहते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका कौन सा सिरा नॉर्थ पोल बनेगा और कौन सा सिरा साउथ पोल बनेगा। तो इसके लिए एक टेक्निक है याद करने का, ये एक सर्कल बनाओ, और यहाँ पर मान लो धारा प्रवाहित होने की दिशा, मान लो यहाँ पर धारा प्रवाहित होने की दिशा ये है, एंटी क्लॉकवाइज है, माने क्या कहेंगे अपन हिंदी में इसको, वामावर्त। यदि धारा प्रवाहित होने की दिशा जिस सिरे पर वामावर्त हो तो वह नॉर्थ पोल की भांति व्यवहार करता है। ऐसा थोड़ा टेक्निक से नॉर्थ बना लो, तो जिस सिरे पर, परिनालिका के जिस सिरे पर धारा बहने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, वामावर्त होती है, वह नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार करता है। और जिस सिरे पर धारा बहने की दिशा, मान लो यहाँ पर धारा बहने की जो दिशा है वह दक्षिणावर्त है, यह है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। तो जिस सिरे पर धारा बहने की दिशा दक्षिणावर्त होती है वह क्या कहलाता है, साउथ पोल कहलाता है। ये साउथ एस लिख के ऐसा याद रख सकते हो आप, इसको याद रखने का तरीका है, नॉर्थ लिख के एरो लगा दिया तो एंटी क्लॉकवाइज, साउथ लिख के एरो लगा दिया तो दक्षिणावर्त। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखना कि परिनालिका के जिस सिरे पर धारा बहने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, मतलब वामावर्त होती है, वह उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करता है, तथा परिनालिका के जिस सिरे पर धारा बहने की दिशा दक्षिणावर्त होती है वह दक्षिण ध्रुव की भांति कार्य करता है। यह है परिनालिका। तो परिनालिका बहुत इंपॉर्टेंट यह है टॉपिक है, और परिनालिका कैसा व्यवहार करता है, दंड चुंबक की भांति। परिनालिका का जो व्यवहार है वह दंड चुंबक की भांति होता है। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब जब तक धारा प्रवाहित करेंगे तब तक वह चुंबक की भांति कार्य करेगा, और जब उसमें धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो वह चुंबक की भांति कार्य नहीं करेगा।
तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है और इसमें मैंने आपको ओनली धारा के चुंबकीय प्रभाव का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पार्ट इसमें स्टार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट इसका, और दो पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है आपके क्लास में, ज़्यादा कंटेंट्स नहीं है, उसमें हम पढ़ेंगे मोटर और डायनेमो, मोटर कैसे काम करता है, मोटर कितने प्रकार का होता है, डायनेमो मतलब जनरेटर, ये दो पढ़ेंगे और दोनों में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना लगभग 100% डिसाइडेड है। तो आप बेसिक चीज़ों को यहाँ से आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और सेकंड पार्ट में हम उसको आपको कंप्लीट कर देंगे। ओके ओके, थैंक यू।